वेल वेल वेल, तो अभी तक फिलहाल सभी लोगों ने पंचायत सीजन 3 देख ही लिया होगा। एंडिंग आज एक्सप्लेन करेंगे कि भाई किस हद तक ये आपको चरम सुख देके गई है, क्योंकि मेरी नजर में यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट नहीं करना, अगर कोई था ऐसा कि भाई इसमें ऐसा इम्प्रूवमेंट कर सकते तो मेरे लिए ये कंप्लीट थी बिल्कुल, जिस हिसाब से एंडिंग करी गई है और जो फन फैक्टर डाले गए हैं और जो भी इसकी लिखाई हुई है एंडिंग के लिए, देन उसके बाद वो डाउन टू अर्थ एवरी करेक्टर जो रोल प्ले करके गया है, देन उसके बाद जो कहानी उसमें एक एक करके स्टेप टू स्टेप बूस्ट हुई है, देन उसके बाद वो जो अनवील हुई है सारी चीज़ें भाई बहुत दमदार थी। एंडिंग को एक्सप्लेन करेंगे भाई। कहानी ये है कि विधायक की जो अलग गैंग है, फुलेरा वालों की अलग गैंग है, यानी उन दोनों की बनती नहीं है। विधायक जी सीधी सीधी बात को उनका ईगो हर्ट हो जाता है सचिव जी के कारण, वो उनका ट्रांसफ़र कराने के लिए तुले पड़े रहते हैं शुरू से ही, और पूरे विधायक और पूरे और फुलेरा गांव में प्रधान जी हो गए, सहायक जी हो गए और अपने उप प्रधान हो गए, वो सचिव जी का क्या कहते हैं ट्रांसफ़र कराएंगे नहीं, तो यहां से कहानी आगे बढ़ने लग जाती है। विधायक जी और फुलेरा वालों के बीच में ये अनबन, और भी फिर बहुत सी चीज़ें होती, शांति समझौता होता है जिसमें विधायक जी का हाथों भाई साहब कबूतर मर जाएगा, उस पर पहले ही केस चल रहा है पशु पक्षी के हत्या के कारण, तो और भी चीज़ें वो बूस्ट होने जाएगी, आग और यहाँ से भड़कने लग जाएगी जो एंडिंग में ज़्यादा बूस्ट करके जाएगी। देन उसके बाद एक जो घोड़ा होता है विधायक जी का सफ़ेद घोड़ा, वो फुलेरा वाले छल कपट से उससे खरीद लेते हैं। यहाँ पर विधायक जी का ईगो फुल हर्ट हो जाता है। अब विधायक जी अपना पूरा गैंग लेके निकल पड़ते हैं फुलेरा वालों को एक एक को टपकाने के लिए, और यहाँ पर फुलेरा वालों को पता लग जाता है कि भाई साहब विधायक आ रहे हैं, हमें भी अपने सेल्फ डिफेंस में लड़ना चाहिए, और यहाँ सब लोग जिन जिन के पास अपनी तोनाली होती है वो लेके तैयार हो जाते हैं, जिसके पास जो भी डंडा या फिर और भी कोई हथियार तो देखने को नहीं मिले। एंड जो वहाँ पर एक एक करेक्टर भाई, विकास का करेक्टर बड़ा प्यारा लग के गया है, मतलब अंदर से फट भी रही है लेकिन भाई नहीं हटना नहीं है, होता है ना कई भीड़ में अगर आप गए होगे लड़ाई झगड़ा कभी देखा भी होगा ऐसा मंजर, तो देखा होगा कि भाई ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनकी खुद फटती भी है लेकिन वो हटने का नाम नहीं लेते हैं, और अंदर ही अंदर उन्हें लगता है वो बस भीड़ के सहारे में आगे निकलने की कोशिश करते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक एक दमदार थी। और जो एंडिंग का जो फाइट सीन्स है वो बिल्कुल कोई ऐसा बहुत ज़्यादा साइंस फिक्शन लगा के नहीं बनाया गया है, एक नॉर्मल ह्यूमन कैसे लड़ता है क्योंकि उसने कभी लड़ने की कोई प्रैक्टिस करी नहीं है, तो बस जैसा उसके सामने आ रहा है अपने बचाव के लिए वो और हर हद तक वो कोशिश करेगा, है ना। खुद के अंदर डर बैठा पड़ा है, खुद सामने विधायक जी उनके अंदर भी डर बैठा पड़ा है, पर कोशिश कोई नहीं कर रहा है, पहल कोई नहीं कर रहा है, बंदूक ताने खड़े पड़े हैं, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल दमदार थी, कोई फिक्शन नहीं डाला है भाई, मेकर्स ने बहुत अच्छा ध्यान दिया है इस चीज़ पर जो बिल्कुल भी हिट करके गया है। एंड फन बहुत ज़्यादा यहीं पर देखने को मिलेगा, बाकी आगे इतना फन तो नहीं था, हाँ एंडिंग दमदार थी ये चीज़ दमदार। देन उसके बाद जब प्रधान जी को गोली लग जाती है और जो बाहर हॉस्पिटल के बाहर जस्ट गेट पर जब विधायक जी उससे मिलने आते हैं अपने प्रधान जी से सहानुभूति दिखाने के लिए, और यहाँ पर सचिव जी हो गए, प्रहलाद जी हो गए, विकास हो गए, बम बहादुर हो गए, ये अपनी अलग टुकड़ी वाली गैंग उसके सामने आ जाती हैं कि भाई तुम कहाँ आ रहे हो वहाँ से मिलने के लिए इनसे, और वो कॉन्ट्रोवर्सी वहाँ पर फिर हिट हो जाती है क्योंकि भूषण जो है अपनी क्रिंजिएस्ट हरकत करना वहाँ बिल्कुल भी कमी नहीं करेगा भाई, ऐसा नेगेटिव करेक्टर जो बिल्कुल गाँव में सूट करता है, होते हैं एक आधे से गाँव के बंदे जिनको देख के ना आपको खून चढ़ जाता होगा कि भाई ये कहाँ ही सामने आ गया है, उसकी एक एक छोटी सी जो बातें भी निकलती ना बेवकूफियत वाली बातें निकलती है, और वही भूषण का करेक्टर रोल प्ले करते आया है। देन उसके बाद भाई जो लड़ाई होती है उन लोगों के बीच में, मतलब चप्पल से मार रहे हैं विधायक जी को, सूट करता है कि चप्पल उठा के मार रहे हैं, सचिव जी के हाथ में डंडा आ रहा है, वो बम पे दनादन पेरे जा रहे हैं, मतलब दमदार है। जब ऐसी एक लड़ाई होती है अपने गली नुक्कड़ की जहाँ पर कोई ऐसा कोई फाइट स्किल नहीं है, कोई इतना साइंस फिक्शन लगा के नहीं लड़ी जाती भाई, सिंपल है, आपके हाथ में चीज़ आ रही है, आपको अपना आत्म बचाव करना है और सामने वाले को गिराना है तो किसी भी हद तक जाएंगे। और विकास का कैरेक्टर यहाँ पर दमदार लगा भाई, एक एक चीज़ मैंने नोटिस करी और नोटिस हुई है, वो चीज़ है मेकर्स ने वही कराया है कि एक एक चीज़ नोटिस हो कि भाई जो ऐसे लड़ाई होती है उसमें कोई इतनी साइंस फिक्शन नहीं लगता है, कोई इतना स्किल नहीं लगता है कि सोच के ये मार रहे हैं वो मार रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड में हमें यही दिखाया गया है ये लात मारना वगैरह वगैरह, पर ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल था, बहुत दमदार था भाई, दमदार वेब सीरीज है, नहीं देखी है अभी तक तो जाके ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसे मास्टरपीस शायद ही आए कभी, और टीवीएफ वाले भाई पहले भी ऐसी चीज़ें मास्टरपीस निकाला करते थे, इनकी जो लिखाई है जो पंचायत सीजन 1 और पंचायत सीजन 2 में जो लेगेसी वहाँ इन्होंने छोड़ी थी वही लेगेसी यहाँ सीजन 3 में भी बरकरार रखी है।
थोड़ा इमोशनल जाएगी ये सीजन, क्योंकि पहले दो सीरीज में आपको अच्छा खासा फन देखने को मिलेगा, लेकिन भाई सबकी लाइफ में फन नहीं होता है ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि दुख भी आएगा, और वो एक एक कैरेक्टर्स की लाइफ में आया है अपनी अपनी चीजों को लेके, ना कि किसी इंटरकनेक्शन की, भाई साहब वो दुखी है और मैं उससे बहुत ज्यादा कनेक्ट हूँ तो मैं भी दुखी, नहीं, अपनी लाइफ का वो अलग फंडा है, अलग से ही वो सारी प्रॉब्लम जो हिट करती हैं एक ह्यूमन लाइफ में, नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में, नॉर्मल सर्वाइविंग लाइफ में, वो सारी चीजें देखने को मिली है। बाकी भाई एंडिंग का पार्ट मिस मत करना, खैर मिस नहीं करोगे क्योंकि सीजन, क्योंकि वेब सीरीज इस हिसाब की है कि आपको शुरू से ही कनेक्ट करके रहेगी, और जहां पर खत्म करेगी थी सीजन टू, सीजन थ्री वहीं से स्टार्ट होगा। भाई बहुत कुछ है फैक्टर, जाके जरूर देखना। बाकी यहां तक पहुंच गए तो इसका वीडियो पसंद आई, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते रहेंगे ऐसी, जय हिंद।